विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के विकास को लेकर किए गए वादों को पूरा करने में जुट गई है। लेकिन इस बार राज्य सरकार पिछली बार से अलग रुख अपना रही है। जी हां, जहां पहले केजरीवाल सरकार हर मुद्दे पर केंद्र से सीधा मोर्चा लेने में विश्वास करते थे, वहीं इस बार उनकी रणनीति बदली बदली दिख रही है। आम आदमी पार्टी केंद्र से रिश्ते सुधारने में जुटी हुई है। हाल ही में सीएम केजरीवाल अमित शाह से मिले तो आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। तो इस मुलाकात में क्या रहा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर सियासी तीर छोड़े थे, लेकिन अब सरकार गठन के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से तल्खियां खत्म करने का मन बना लिया है, जिसके संकेत सीएम अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात से मिली थी। केजरीवाल ने इस मुलाकात के बाद कहा था कि उनकी गृह मंत्री से अच्छी चर्चा हुई, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दिल्ली का विकास करेंगे। और अब इसी कड़ी में आज सूबे के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मुलाकात करने पहुँचे। मुलाकात के बाद सिसोदिया ने ट्वीट किया, मैंने राजधानी के आर्थिक विकास को लेकर वित्त मंत्री से चर्चा की, जिसके बाद सिसोदिया ने सिलसिलेवार कई ट्वीट भी किए और वित्त मंत्री के साथ की तस्वीर भी शेयर की। सिसोदिया ने लिखा, दिल्ली के वित्त मंत्री का पद पुनः संभालने के बाद आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी से मुलाकात की, उनके साथ दिल्ली के आर्थिक विकास के लिए सहयोग पर सकारात्मक चर्चा हुई। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार को अब अपना पहला बजट पेश करना है। पिछले कार्यकाल में केंद्र और राज्य सरकार के बीच काफी तकरार देखने को मिली थी, जिसके चलते राजधानी के विकास कार्य धीमे पड़ गए थे, मगर अब राज्य सरकार केंद्र सरकार से किसी भी तरह की तल्खियां रखने के मूड में नहीं है, जिससे काम को आराम से पूरा किया जा सके। इसीलिए आपके दिग्गज केंद्र सरकार से सहयोग के लिए मुलाकात के दौर को बढ़ावा दे रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।